हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द लीगल प्रिसेप्ट चैनल। आई एम महाश्वेता। आज मैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 यानी भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के ऊपर डिस्कस करूंगी। एक्ट के नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित लॉ के ऊपर ही ये एक्ट होगा। मैं सिर्फ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ऊपर एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे रही हूँ। Term contract is derived from the Latin word contractum, which means drawn together, यानी आपस में मिलाना। दो या अधिक व्यक्तियों को किसी कार्य को करने या ना करने हेतु आपस में मिलाने वाले समझौते अथवा एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। Indian Contract Act was enacted on 25th April 1872 and enforced on 1st September 1872. And this was the Act number 9 of 1872. First of all, ये contract क्या होता है? एक common conception है कि contract and agreement दोनों word का मतलब एक ही है. But according to Indian Contract Act, when an agreement is enforceable by law, that is called contract. यानी जो agreement court of law के द्वारा enforce होता है, वही contract होता है। इससे ये कंक्लूजन मिला कि हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, जो एनफोर्सेबल बाय लॉ होता है वही कॉन्ट्रैक्ट होता है, लेकिन हर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होता है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डील्स विथ बेसिक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। कंपनीज एक्ट हो या पार्टनरशिप एक्ट हो या सेल ऑफ गुड्स एक्ट हो अथवा पूरे इंडिया में जितने भी एक्ट में जो भी कॉन्ट्रैक्ट हो, उन सब का बेसिक्स इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जरिए ही होता है। द लॉ फर्स्ट डील्स विद कॉन्ट्रैक्ट्स इज कॉल्ड लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एंड इज गवर्न बाय द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। डेली लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल इज गवर्न बाय इनुमेरेबल एग्रीमेंट्स। जाने अनजाने में ही सही, हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सारे एग्रीमेंट में एंटर कर लेते हैं, जैसे कि ग्रोसरी लेने के लिए दुकान जाते हैं, ज़रूरत की सामान लाने के बाद दुकानदार को पैसे देते हैं। ये सामान लाना, पैसे देना, ये ट्रांजेक्शन तो एक ही टाइप का एग्रीमेंट है। व्हेन दिस एग्रीमेंट इज एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंस्टिट्यूट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट ब्रांच ऑफ मर्केंटाइल लॉ और कमर्शियल लॉ। विदाउट सच ए लॉ इट वुड हैव बीन डिफिकल्ट if not possible to carry on trade or commerce. Indian Contract Act is based on the principle of common law. यानी Indian Contract Act common law के principle के ऊपर based है। Common law that is judgment law. ये act में बहुत सारे cases हैं जो English law के ऊपर है। This act was passed in Indian Parliament, not in British Parliament. भले ही तब Britishers India में थे। This act is prospective in nature, यानी जिस दिन से ये एप्लीकेबल हुआ उसके आगे की केसेस को रेफर करेगा। It creates jus in personam, यानी जो भी राइट्स एंड ऑब्लिगेशन है ये दोनों पार्टियों के बीच में ही होगा। This act extends to the whole of India, including Jammu and Kashmir. पहले excluding Jammu and Kashmir था, क्योंकि Article 370 के अनुसार इसे स्पेशल स्टेटस मिला था, लेकिन अब आर्टिकल 370 हटने के बाद ईच एंड एवरी लॉ इज एप्लीकेबल टू जम्मू एंड कश्मीर। दिस एक्ट इज़ नॉट एग्जिस्टिव इन नेचर, यानी ये एक्ट अपने आप ही कंप्लीट नहीं है, क्योंकि सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जरिए किसी भी मैटर को सॉल्व नहीं किया जा सकता। इसके साथ सिविल प्रोसीजर कोड हो या ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट हो या स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट हो, किसी और एक्ट की हेल्प लेना पड़ता है। ओरिजिनली इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में 266 सेक्शन था। ये सब सेक्शन को चार पार्ट से डिवाइड किया गया था। फर्स्ट वन इज फ्रॉम सेक्शन 1 to 75, जो कि जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर है, यानी कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए जो सब प्रिंसिपल्स हैं। कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग, फॉर्मेशन, एसेंशियल्स, काइंड्स, कॉन्ट्रैक्ट बीच होने के बाद उसका रिमेडी एक्सेट्रा, ये सब जनरल प्रिंसिपल्स के अंडर आता है। Then, from sections 76 to 123, explained law relating to sale of goods. Then, from section 124 to 238,
एक्सप्लेन्ड लॉ रिलेटिंग टू स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी, बेलमेंट, प्लेज, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी. देन फोर्थ वन इज फ्रॉम सेक्शंस 239 टू 266, एक्सप्लेन्ड लॉ रिलेटिंग टू पार्टनरशिप बिजनेस. सेल ऑफ गुड्स हुआ कि पार्टनरशिप बिजनेस हुआ, इन दोनों में पहले कॉन्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए ये सब शुरुआत में जनरल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो करते हैं. आपने देखा होगा कि हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सिर्फ सेक्शन 1 से 75, देन सेक्शन 124 से 238 तक पढ़ते हैं. बाकी सब सेक्शंस कहाँ गए? जब मैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पहली बार पढ़ी थी, मुझे भी ये डाउट हुआ था कि बाकी सब सेक्शंस हम क्यों नहीं पढ़ते. बाद में ये एक्ट पढ़ने के बाद मुझे ये मालूम हुआ कि ये सब सेक्शन को इसी एक्ट में से रिपील कर दिया गया है. सेक्शंस 76 टू 123 एंड सेक्शंस 239 टू 266 को लेकर दो सेपरेट एक्ट्स बना दिया गया है, दैट इज सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 एंड इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बारीकी से और कभी बताऊंगी. आज के लिए बस इतना ही है. बहुत ही जल्द और किसी नए टॉपिक के ऊपर आपके साथ डिस्कस करूंगी. आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए. गुड बाय फ्रेंड्स.